बस सूर्या कुमार यादव का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत जबरदस्त जा रहा है और वो डिजर्व करता है नंबर वन मैचेस जो है इसमें कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी है। कुमार यादव से खतरा होगा जिस तरीके से वो जो है ना उनकी परफॉर्मेंस जा रही है नंबर वन पे बस थोड़ा बहुत है लेकिन कोहली को आउट करना पड़ेगा क्योंकि आउट कोहली जैसे कोई रोकने वाला नहीं है पाकिस्तान को भाई कोई रोक नहीं सकता नहीं रोक सकते भाई तो इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए जो कि बहुत मजा आएगा। एक बहुत अच्छा बैट्समैन है सूर्या कुमार यादव क्योंकि वो आईपीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल आया तो वो अंपायर नहीं होना चाहिए अंपायर चेंज होना चाहिए अंपायर चेंज होना चाहिए। यादव ने बाबर और रिजवान से नंबर वन पोजीशन ले लिया उस हवाले से क्या कहेंगे? आ जाएंगे हम भी आ जाएंगे नंबर वन टॉप पे आ जाएंगे। अब सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है हमारे पास तो बाबर और रिजवान अपनी बेस्ट देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। बस सूर्या कुमार यादव का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और वो डिजर्व करता है नंबर वन। अगर वो इंडियन बैट्समैन भी है लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अच्छा खेलेगा वो नंबर वन आएगा। हमारे ओपनिंग जोड़ी जो है ना दुनिया का नंबर वन जोड़ी है लेकिन अब पता नहीं इस वर्ल्ड कप से थोड़ा अपसेट है नज़र लग गई है आप पता नहीं ये किसने कोई जादू वादू किया ये बंगाल वाले पे शक हो रहे हैं पता नहीं। सूर्य कुमार यादव ने नंबर वन पोजीशन ले ली है क्या लगता है आपको लंबे अरसे तक बरकरार रखेंगे या हमारे प्लेयर दोबारा ले लेंगे? ये तो अभी एक टूर्नामेंट में वो आगे हो गए हैं हमारे प्लेयर्स इंशाल्लाह अपनी परफॉर्म करेंगे तो वो अपनी जगह पर आ जाएंगे और बहुत अच्छा खेलेंगे। फाइनल में क्या चाहते हैं आप इंडिया सामने हो? लगता तो यही है कि इंडिया हमारे मध्य मुकाबले ही होगा फाइनल में और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा एंटरटेन होगा। नंबर वन पोजीशन की जंग स्टार्ट हो गई है जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल रहा है क्या लगता है आपको वो ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाएंगे नंबर वन पोजीशन को या कोई ऐसा बल्लेबाज हमारी जानब भी है? हमारी जानब बाबर थोड़ा सा ऑन फॉर्म में नहीं आ रहा वैसे बहुत अच्छा प्लेयर है रिजवान और मोहम्मद हारिस मैं बीट कर सकता हूँ बहुत अच्छा बैट्समैन है वो अगर वो देना चाहिए मौका देना चाहिए अगर पहले 10 ओवर वो खेलते हैं ना 10 ओवर में 100+ कर सकता है वो क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर है वो टैलेंटेड प्लेयर है यंग टैलेंटेड प्लेयर है वो वाला। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग स्टाइल पर क्या कहना चाहिए? वो भी एक बहुत अच्छा बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव क्योंकि वो आईपीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्म करता है ठीक है बहुत अच्छा वो भी एक बैट्समैन है ठीक है उनका भी एक कमाल एक अपना ही कोहली जैसे कोहली है सूर्य कुमार का भी एक नाम है बहुत अच्छा वो भी खेलते हैं आज भी उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेले अच्छे स्कोर किए हैं उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी तो उम्मीद है कि पाकिस्तान भी लड़ेंगे इनसे हम मैच विन करेंगे। संडे की खुशी आपको दे दी पाकिस्तानी टीम ने अब भी कहीं ना कहीं मसले हैं या अब रोकना मुश्किल है पाकिस्तान को? नहीं जी अभी माशाल्लाह टीम बहुत अच्छा खेली है इंशाल्लाह आगे भी चढ़ के अगर इस तरह परफॉर्मेंस करेंगे तो इंशाल्लाह फाइनल भी जीत जाएंगे और पाकिस्तान ने माशाल्लाह अच्छा खेला है हमारे जो हमारी टीम है मतलब रिजवान हो गया बाबर हो गया बड़े प्लेयर है बड़े मैच के प्लेयर है इंशाल्लाह आगे चल के भी अच्छा खेलेंगे इनसे उम्मीद है और मेरे ख्याल से ये दोनों को ओपनिंग करना चाहिए इसके बाद मिड ऑर्डर भी अच्छा है माशाल्लाह हारिस हो गया इसके बाद दूसरा जो सीक्वेंस से जा रहे हैं उसको छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं मतलब मेरे ख्याल से जो जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह बॉलिंग ज़्यादा ज़्यादा कर लेते हैं ना फिर मिडल ऑर्डर पर प्रेशर होता है। जी वो तो है लेकिन ये कि बड़े मैच के प्लेयर इससे भी अच्छा पहले एशिया कप देखे तो खेले अच्छा माशाल्लाह और ओपनिंग भी बहुत अच्छा एशिया तो ये ऑस्ट्रेलिया है ना यही पर तो पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में ये फेल साबित हो। हाँ बिल्कुल अभी मिस्टेक जितनी हुई उनको अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए ना अब अगर नडर हो के खेलना चाहिए। हारिस कैसे खेल रहा है? जैसा हारिस खेलता है माशाल्लाह देखो नया प्लेयर है नए पिचेस पे खेल रहे बहुत अच्छा खेल रहे हैं माशाल्लाह उस तरह का ये बैट्समैन तो बाबर और रिजवान भी अच्छे हैं लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं डर है खौफ है वो थोड़ा जो है ना डिफेंसिव अप्रोच अपना। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि वो कहते हैं हमारी विकेट जल्दी गिर जाएगी तो उसके मिडल ऑर्डर पर प्रेशर बहुत आता है हाँ वो उसकी वजह से वो कहते हैं आराम आराम से खेले ताकि 10 ओवर निकाले उसके बाद अगर विकेट गिर जाए तो बाकी आने वाले मिडल ऑर्डर जो है वो थोड़ा घेर के परफॉर्मेंस करके आगे मतलब मैच जीत जाए लेकिन वो इसी डर में रहते हैं तो इसलिए मैं कहना ही चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इन दोनों से ओपनिंग कराया जाए और बाकी जो हमारा मिडल ऑर्डर इंशाल्लाह वो खेलेगा। सेमीफाइनल में किसी किस्म का मसला नहीं है पाकिस्तान के लिए या जो है ना न्यूजीलैंड मसले खड़े कर सकते हैं? देखिए न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी टीम है माशाल्लाह और उनको भी क्रेडिट जाता है अच्छी टीम है और पिचेस वहाँ के पिचेस पे खेलती है ऑस्ट्रेलिया के साथ तो जहाँ तक मेरा कहना है तो इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो मैच जीतेगी तो ये होता है ना कि विन मैचे कैचेज विन मैचेज अगर पाकिस्तान पर वो सारा दारोमदार परफॉर्मेंस पे जाता अगर पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो इंशाल्लाह मैच जीतेगा। सही बाकी फाइनल में अगर इंडिया सामने आता है तो खतरा होगा इंडिया से उसी तरीके से फाइट होगी जिस तरीके से आखिरी बॉल तक मैच गया था या हमारा पड़ला भारी होगा हमारे बॉलर जो है ना ज़्यादा अटैकिंग पे आएंगे? यार देखिए इंशाल्लाह अभी तो हमारे बॉलर अच्छा खेलेगा शाहीन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया पहले मैचों में अच्छा इतना नहीं किया लेकिन आगे जो बाकी तो अभी अच्छे अपने फॉर्म में वापस आए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाहीन अच्छा बॉलिंग करेंगे और इसके अलावा दूसरे हमारे अच्छे बॉलर है तो वो भी इसका साथ देंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। ये तो नाम का प्रेशर है इंडिया का नाम का प्रेशर है या काय का प्रेशर
किस चीज़ का प्रेशर, इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा तो जीतेगा ना यार। अब पाकिस्तान पहले से प्रेशर ले रहे थे तो इसलिए पाकिस्तान हार जाता है। कोई चीज़ किसी चीज़ का प्रेशर नहीं इंशाल्लाह। अगर बाबर और रिजवान सब मतलब पहले से रन निकाल ले पहले से 8-10 ओवर में इंशाल्लाह विकेट नहीं गिरे और रन थोड़े अच्छे बने इंशाल्लाह तो पाकिस्तान जीतेगा। जबरदस्त आपने अप्रोच अपनाई है, इसी तरीके से अप्रोच एशिया कप में भी थी पाकिस्तान की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी कंडीशन अलग है। खैर आखिरी सवाल करूंगा, सूर्य कुमार यादव अगर फाइनल में परेशान कर सकते हैं पाकिस्तान? देखिए सूर्य कुमार यादव वैसे भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर से मतलब जो बॉलर है उनसे बड़े प्रेशर में खेल नहीं सकते, इसके अगर पहले रिकॉर्ड देगा तो उतना खेला अच्छा नहीं है। अगर आप बात करें तो कोहली की बात कर सकते हैं, वो उस मतलब ये कि वो खड़े कर सकते हैं। लास्ट मैच भी जीता हुआ मैच पाकिस्तान से हरवा दी, बिल्कुल वो कोहली नहीं जीता था, कोहली अगर सच पहले अगर देखे तो सारे मैचेस जो हुए इसमें कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी है। और बाकी सूर्य कुमार यादव खेल राहुल ये सारे पाकिस्तान को इतना वो इतने लास्ट ईयर खेल राहुल का बड़ा चर्चे थी लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ इतना चला नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। हाँ हार्दिक पांड्या होगा क्योंकि मैन वो हिटर इनका और जबरदस्त हिटर खेलता है, ये दो की प्लेयर है। हमारे पास भी है माशाल्लाह भी हारिस है, हारिस के जो हमारा प्लेयर है यंग प्लेयर माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलता है, बड़ी जबरदस्त शॉट लगाता है। अगर वो इस तरह खेलेगा इंशाल्लाह तो हम फाइनल भी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने इंडिया को पहले मैच जितवाने दिया था, अब इस दफा हम अगले मैच नहीं जितवाने देंगे, ये चैंपियन ट्रॉफी भी याद रखना। ऐसे पहले भी हमने आपको एक मैच दिया, अगले मैच में हिसाब किताब बराबर करें, हिसाब किताब बराबर करें, हमेशा हम अगला मैच फाइनल में जीत जाते। नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी बिल्कुल दे दिया, इंशाल्लाह इंडिया के साथ मैच होगा और भरपूर उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहले तो सेमीफाइनल होगा ना यार, न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल होगा और इंडिया के साथ फाइनल होगा और फाइनल इंशाल्लाह सेमीफाइनल में किसी किस्म का मसला नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल मसला नहीं है, अभी कोई रोकने वाला नहीं है पाकिस्तान को भाई, कोई रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकते भाई। पाकिस्तान ने अपनी परवाज शुरू कर दी, बिल्कुल परवाज शुरू कर दी। किस पे सबसे ज्यादा भरोसा है? शहनशाह अफरीदी और रऊफ। आज तो शाहिनशाह अफरीदी कम बे कर लिया। हाँ माशाल्लाह पाकिस्तान का बॉलिंग भी बड़ा टाइट है और बैटिंग लाइन भी बड़ा अच्छा है। न्यूजीलैंड से हम ट्राई सीरीज में जीत गए थे, सेमीफाइनल उनके साथ है, किसी किस्म का खतरा नहीं है अभी न्यूजीलैंड से? नहीं नहीं बिल्कुल कोई खतरा नहीं है इंशाल्लाह। दूसरी जानिब इंडिया के साथ अगर हमारा फाइनल आता है, उनकी जानिब सूर्य कुमार यादव नंबर वन पे चल रहे हैं आजकल, क्या लगता है वो खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, हम निपट लेंगे हमारे बॉलर उनसे? नहीं इंशाल्लाह वो अटैक इनिंग ओवर में इंशाल्लाह उन दोनों का जो है ना इनिंग का खात्मा करेंगे, शहनशाह और रऊफ। जबरदस्त, तो फाइनल में भी कोई मसला नहीं होगा? नहीं नहीं बिल्कुल फाइनल में मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान जीत हमारी होगी। जी बिल्कुल हमारे जीए पाकिस्तान। हारिस पे चक्के लगाएंगे इंशाल्लाह। टीम परफेक्ट है या किसी किस्म की चेंजिंग की जरूरत है? नहीं नहीं अपना चाचा भी फॉर्म में आ गया, शादाब भी फॉर्म में, भतीजे वगैरह सब आ गए फॉर्म में, चले सही है, तो कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है, टीम परफेक्ट सही है। न्यूजीलैंड से हमारा सेमीफाइनल है, कोई मसला वसला होगा या आसानी से? नहीं इंशाल्लाह जीत जाएंगे यार। बॉलिंग भी जबरदस्त है, बॉलिंग बहुत जबरदस्त है अपनी, कोई खराबी टीम में? सब कुछ सही है लेकिन ओपनिंग नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए। ओपनिंग में मसला है, ओपनिंग का सबसे बड़ा, ओपनिंग किसको आना चाहिए? ओपनिंग में हारिस को, रिजवान को या बाबर को, कोई भी हो लेकिन ओपनिंग में एक बंदा को चेंज। बाबर और रिजवान को अब छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, छोटी या बड़ी हो जो भी हो इसको कुर्बानी देना, दे इसमें। हाँ सब पाकिस्तान यही बोलते हैं, दुनिया यही बोलते हैं कि इनका ओपनिंग आप नहीं। संडे का गिफ्ट दे दिया ना पाकिस्तान ने, संडे का गिफ्ट, नीदरलैंड की वजह से हम सेमीफाइनल में पहुंचे, उनको क्या कहोगे? उनको यही दुआएं देंगे जो दिल नीदरलैंड नीदरलैंड को दवा देंगे, नीदरलैंड का शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमको आगे पहुँचा दिया सेमीफाइनल। आप क्या चाहते हैं फाइनल में किसका, फाइनल तो इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए जो कि बहुत मजा आएगा। काफी लोग कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव बड़े खतरनाक है, क्या वाकई खतरनाक है? तो अब हमने तो उसका बैटिंग देखा था ना, हमने तो उसको आउट कर दिया था। पाकिस्तान के लिए विराट कोहली का विकेट गिराना चाहिए बस। अच्छा, बाकी पाकिस्तान के लिए विराट कोहली खतरनाक, हाँ बस वो थोड़ा बहुत, बाकी कोई भी नहीं। इंशाल्लाह मैच से जीतेंगे और पैनल आएगा इंशाल्लाह इंडिया से और सही तरह जीतेंगे उसे, और हमारा बॉलिंग बहुत अच्छा चल रहा है, बॉलिंग बहुत अच्छा चल रहा है, बैटिंग में अगर कहीं ना कहीं हमारी टीम खराब है तो 127 आज बना दिया ना बांग्लादेश ने और आराम से फिर भी इतना मुश्किल से जीता, जीत लिया ना मुश्किल से। और इस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर और रिजवान ज्यादा बॉलें जाया कर लेते हैं ना बहुत ज्यादा, हम इतना तंग आए तो आराम से, टेस्ट थोड़ी है तो वनडे है और हारिस की तरह खेलो फास्ट। हाँ आराम से खेलो, ये जो ना ये रिजवान हो या दूसरा कप्तान हमारा, हाँ। तो ये दोनों में एक चेंज करना चाहिए, चेंज करना, हाँ जरूर इंशाल्लाह। बाकी बॉलिंग परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बॉलिंग है, बॉलिंग पाकिस्तान की बिल्कुल सही है, सही है बॉलिंग परफेक्ट है, बॉलिंग तो परफेक्ट है लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
ये अपना बाबर को वन डाउन पे आना चाहिए और हारिस और रिजवान से ओपनिंग करानी चाहिए कि थोड़ा सी तब्दीली आ जाए तो मैं कहता हूँ बेहतर होगा। तब्दीली आनी चाहिए इसमें। कौन सी है, क्रिकेट में या इमरान खान वाली तब्दीली? नहीं, क्रिकेट में, क्योंकि 5-6 मैच अब तक खेल चुका है लेकिन इनका बरपुम जो है वो आउट पम आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा तब्दीली आ जाए तो इंशाल्लाह मैच आ गया, पाकिस्तान फाइनल जीत जाए। सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं आपको दिल में धक-धक हो रहा है, कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है, या आप एतमाद है आपको टीम पे? बिल्कुल एतमाद, इंशाल्लाह हारिस और रिजवान से ओपनिंग कराया जाए तो मैं कहता हूँ बेहतर होगा, और क्या नाम है अपना बाबर को वन डाउन पे आना चाहिए और एक दो तब्दीली अगर और भी कर सकते तो। बाकी आप फाइनल में किस टीम को समझते हैं कि पाकिस्तान का सामना होना चाहिए अगर पाकिस्तान फाइनल में जाती है? फाइनल तो मेरे ख्याल से सेमीफाइनल तो न्यूजीलैंड के साथ है और इंशाल्लाह इंडिया से आएगा फाइनल इंशाल्लाह और पाकिस्तान जीतेगा। सही, आपको एतमाद है कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल है तो पाकिस्तान फेवरेट हो? जी इंशाल्लाह, पाकिस्तान इस मौके पर जो है ना अक्सर इंडिया को कई बार हरा चुका है और मेरा ये यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल भी जीतेगा। तो खतरा उनकी जानिब से सूर्य कुमार यादव से खतरा होगा जिस तरीके से वो जो है ना उनकी परफॉर्मेंस जा रही है नंबर वन पे? बस थोड़ा बहुत है लेकिन कोहली को आउट करना पड़ेगा क्योंकि आउट कोहली जैसे आउट हो जाए। कोहली हमेशा पाकिस्तान के लिए वो टफ टाइम देते हैं। हाँ वो हाँ, हमारे पास भी अच्छा अच्छा बॉलर है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाहीन है और अपना पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल आया तो वो अंपायर नहीं होना चाहिए, अंपायर चेंज होना चाहिए। हाँ अंपायर चेंज होना चाहिए। बाकी विराट कोहली को क्या कहोगे? विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, ये नहीं कि इंडिया का है लेकिन वो प्रेशर डालते हैं, अंपायरिंग नहीं करे खुद, बल्ले अंपायर से आगे नहीं होना चाहिए, मतलब अंपायर से आगे नहीं होना, वो प्रेशर डालते हैं ना अंपायर के ऊपर, प्रेशर डालते हैं सब। हमारे तो बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद तो थी और सेमीफाइनल में पहुंच गया और इंशाल्लाह सेमीफाइनल जीतेगा और फाइनल इंडिया के साथ खेलेंगे, फाइनल भी जीतेंगे इंशाल्लाह। इंडिया वाले कह रहे हैं मैच फिक्स था आपका बांग्लादेश के साथ? नहीं नहीं, ये फिक्सिंग तो इंडिया का काम है सारा, इंडिया का जो जितना भी मैच हुआ है जितना जीता है ये सारा इंडिया ने फिक्स करा हुआ है, एम्पायर भी इंडिया का है, मैच भी इंडिया का होगा, बाकी ये कुदरत का निजाम था, हम पहुंच गए। भाई हमने अपना सकलेन मुश्ताक सही बोलते थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो क्या लगता है, अब कोई मसला नहीं होना चाहिए फाइनल में जाने के लिए? नहीं, अब कोई मसला नहीं है, जो मसला था वो हल हो गया, आप सेमीफाइनल में पहुँच गया। ये बताएं सूर्य कुमार यादव नंबर वन पे हैं, अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो कितने खतरनाक होंगे? मसला तो है ना यार, वो नंबर वन पे, नंबर वन पे आपकी बात सही है लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। अच्छा। तीन मैच खेले, तीनों मैच ने कोई कारकर्दगी नहीं। सही, ये सही आपने पॉइंट बताया, छोटे टीमों के खिलाफ बनाए, छोटे टीमों के खिलाफ नहीं मतलब बड़ी टीमों के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो इंशाल्लाह ये पहली गेंद पे आउट हो जाएगा। नसीम ने दो बार आउट किए उसे, हमारे पॉइंट जो है ना बहुत अच्छी है, शाहीन शाह है, नसीम शाह है, सब बॉलर बहुत अच्छे है। तो आप चाहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो? हम तो चाहते ही है कि इंडिया पाकिस्तान का हो जाए और पाकिस्तान जीत जाए, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। हाँ बहुत सही है, कहीं ना कहीं दिल में धक-धक हो रहा है अभी कि यार कहीं फिर अपसेट ना कर दे? जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो धक-धक तो दिल में है। हाँ ये तो है, रोजाना चेकअप कराते हो दिल का? नहीं दिल का चेकअप तो नहीं करते खैर, लेकिन आखिरी बॉल तक हम लोग मैच लाते हैं, हार जाते हैं, पहले के दो मैच इसी तरीके से हमारे जो फाइटिंग हो रही है ना ये बहुत अच्छे है पाकिस्तान के लिए। इंडिया जब हारते हैं पाकिस्तान से तो बुरी तरह हारते हैं। अच्छा। पाकिस्तान हार जाते हैं लेकिन फाइट करके हार जाते हैं, ये बाकी ये कि अब ओपनिंग जोड़ी से मुतमईन है आप? हमारे ओपनिंग जोड़ी जो है ना दुनिया का नंबर वन जोड़ी है लेकिन अब पता नहीं इस वर्ल्ड कप से थोड़ा अपसेट है, नजर लग गई है, आप पता नहीं ये किसने कोई जादू वादू किया, ये बंगाल वालों पे शक हो रहा है, पता नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुदरत के निजाम पे कितना भरोसा? 100%। कुदरत के निजाम पे कितना भरोसा है जिस तरीके से सकलेन मुश्ताक बोलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरा भरोसा है यार। हाँ। इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे, फाइनल भी हमारा इंशाल्लाह हमारा है। कहीं ना कहीं डर लग रहा है सूर्य कुमार यादव जितने खतरनाक बैट्समैन? यादव क्या ये भूल गया, नहीं अभी ऐसे करो उसको बोलो श्रीनिवासन भी उसको आपके साथ खिलाओ और ये रैना जो भी लिटेर है वो अच्छा प्लेयर है उसके साथ खिलाओ, यादव से भी डरना नहीं है हम लोगों का और धोनी सब कुछ खिलाओ, मसला नहीं। हमारी जानिब से कौन खेलेगा? हम खुद खेलेगा, हमारा पूरा टीम खेलेगा, भरपूर खेलेगा इंशाल्लाह। अकबर शाह भी साथ होगा? मोहम्मद हारिस कैसे? मोहम्मद हारिस फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, उबलिंग आना चाहिए इसको। शाहीन शाह का कमबैक हो गया? शाहीन शाह कमबैक अच्छा है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, नेदरलैंड्स के लिए कुछ बोलो उसको, उसके लिए कोई गाना गाओ उसको, कुछ बोलो। गाना माना तो नहीं आता इसको, थैंक यू बोलो, थैंक यू अल्लाह। दिल दिल नेदरलैंड्स, दिल दिल नेदरलैंड्स, इंशाल्लाह बिग मैच।